वेलकम टू अंजलि's ब्यूटीफुल स्काई, जहाँ पे हम बात करते हैं लाइफ से रिलेटेड लगभग हर टॉपिक पे। तो आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? वेल गाइस, जिनको है सिलाई कढ़ाई का शौक और जो है थोड़े से क्रिएटिव टाइप की, तो उनके लिए तो आज का वीडियो बड़ा ही काम का होने वाला है। लेकिन अगर आपको सिलाई कढ़ाई का शौक नहीं भी है, फिर भी आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। भाई देखिए, ऑल्टरेशन की या फिर हमारे कपड़े कहीं से कट फुट जाए या फिर उनकी सिलाई निकल जाए, तो उसके लिए हमें इन छोटे छोटे कामों के लिए डिपेंड रहना पड़ता है टेलर पे, है ना। तो ऐसे 100-50 करके हम हजारों रुपए अपने वेस्ट कर देते हैं छोटे छोटे कामों के लिए। तो इससे बेटर तो ये है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके एक ऐसा प्रोडक्ट ले लिया जाए जिससे आप जब चाहे अपने घर के छोटे मोटे सिलाई कढ़ाई के काम या ऑल्टरेशन खुद ही कर सके। यस गाइस, तो मैं बात कर रही हूँ मिनी पोर्टेबल स्विंग मशीन के बारे में, जो कि ये है। और यस, आज के इस वीडियो में मैं आपसे यही शेयर करूंगी कि क्या है ये स्विंग मशीन, कैसे ये काम करती है, कैसे इसकी केयर करनी चाहिए, क्या क्या इसके मेन फीचर्स हैं और आपको इसे कैसे यूज करना चाहिए। तो देखिए गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही छोटा सा इसका पैकेट है एंड कितना लाइट वेट है, आप देख सकते हो। तो चलिए फटाफट से इसे कर लेते हैं अनपैक। ओके, तो अनपैक करने से पहले मैं आपको इसके मेन फीचर्स बता देती हूँ। जैसे कि इसमें लिखा है कि मिनी स्विंग मशीन है, 4 in 1 है ये, एंड काफी सारी चीजें इसकी यहाँ पे मेंशन है, जब आप परचेज करेंगे तो आप देख सकते हैं। तो जो इसकी मेन चीजें हैं वो मैं बता दूं। विद 2 स्पीड कंट्रोल के साथ ही आता है, विद डबल थ्रेड्स है इसमें। ओके, लाइट भी दी हुई है इसमें कि अगर आपको एक एक्स्ट्रा लाइट की जरूरत है तो यहाँ पर आप एक छोटा सा बल्ब दिया होगा। और इसके अलावा इसमें जो एसेसरीज है वो है 4 मेटल बॉबिन है, 1 फुट पैडल है, 1 नीडल है एंड 1 नीडल थ्रेडर है। ओके, तो चलिए अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये इस तरह की पैकिंग में आता है गाइस। ओके, तो जैसे इसमें मेंशन है कि क्या क्या एसेसरीज है इसके अंदर, वो दिखा देती हूँ मैं आपको। तो एक तो ऐसा चार्जर आया है, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है ये मशीन, तो इसलिए इसे आपको प्लग इन करना पड़ेगा और फिर ये चलेगा। और 4 मेटल बॉबिन इसके अंदर है, 1 2 3 4, 1 थ्रेडर है, इसकी हेल्प से आप मशीन के निडल में धागा डाल सकते हैं। और ये 1 फुट पैडल है, तो ये 2 in 1 है। आप इसको अगर पैरों से प्रेस करके चलाना चाहे तो भी चल सकता है। और इसके यहाँ पर एक ये वाला स्विच ऑन ऑफ का दिया है, इसको ऑन ऑफ करके भी आप चला सकते हैं। तो वो मैं आपको पूरा स्टिच करके डेमो देके दिखाऊंगी कि कैसे आपको इसे यूज करना है। मैं पहले से अनपैक कर लेती हूँ। तो आ गई हमारी मशीन बाहर। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी चीज एक ये होती है कि ये आपको जो फर्स्ट टाइम आप इसे लोगे तो आपको पूरा प्रॉपर थ्रेड डाल के मिलेगा, मतलब रेडी टू यूज है ये। और इसमें आप देख सकते हैं कि आपको एक कपड़े के साथ सिलाई करके दिखाया भी गया है कि ये प्रॉपरली इस टाइम पे करेक्ट है, सही से काम कर रहा है। तो आपको एक ये एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, और पूरा धागा किस तरह से गया है ये पूरा आपका यहाँ फिल करके दिया हुआ है ऑलरेडी। तो आपको स्टार्टिंग में जब आप परचेज करेंगे और आपको अगर मशीन में धागा डालना नहीं आता है बाय चांस, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वन टाइम तो आपको ये पूरा डाल के दिया है। और फिर आप जैसे जैसे इसे यूज करेंगे तो आप यूज टू हो जाएंगे इसे यूज करना। फिर आप इजीली बाद में जब ये थ्रेड फिनिश हो जाए तो आप खुद भी डाल सकते हो। ओके ओके गाइज, तो हाँ, अगर आपको इसमें धागा डालना नहीं आता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसका एक पिक्चर खींच के रख ले कि कहाँ कहाँ से धागा गया है। मीन्स यहाँ से गया है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से कहाँ कहाँ से पूरा थ्रेड गया है, इसका आप एक फोटो खींच ले, सो दैट कि जब धागा फिनिश हो जाएगा तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स हैं जहां से धागा गया है, और 8 पॉइंट नीचे नीडल वाला है। चलिए गाइस, तो ये सारी चीजें हैं इसके साथ में, 1 2 3 4, और एक नीडल भी होगी इसके अंदर एक्स्ट्रा, तो वो भी मैं निकाल लेती हूँ। हाँ यस, एक एक्स्ट्रा इसमें नीडल भी हुई है। चलिए, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी सी स्टिचिंग करके और इसके क्या क्या मेन फीचर्स हैं, कैसे इसकी केयर करनी चाहिए, कैसे इसे यूज करना चाहिए, वो सारी चीजें। ओके तो चलिए गाइस, अब मैं आपको इसे बता देती हूँ यूज कैसे करना है। तो ये जैसे कि मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी से चलती है मशीन, तो इसके साथ में एक ऐसा ये दिया हुआ है जैसे चार्जर भी होते हैं फोन के उस टाइप का। तो इसको आपको कहाँ लगाना है, आप मशीन के इस साइड में देखेंगे तो आपको दो सॉकेट दिखेंगे यहाँ पे, जिसमें से ऊपर वाला है फुट पैडल के लिए और नीचे वाला है जहां से आपको पावर वाला है स्विच। तो यहाँ पर आपको इसे फिक्स करना है और फिर इसको आपको मेन स्विच बोर्ड पे लगा देना है। तो ये देखिए मैंने लगा दिया और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने एक लाइट दी, एक बल्ब दिया हुआ है जहां से आपको इजीली आपकी स्टिचिंग कैसे हो रही है ये यहाँ से दिखेगा। ओके गाइस, सो आई एम ऑल सेट टू यूज इट। तो कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे लाइट है और यहाँ पर ये स्विच है जो फर्स्ट वाला है वो लाइट ऑन ऑफ करने का है। अगर आपको लाइट चाहिए तो आप इसे ऑन कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं। बीच वाला जो बटन है वो यू नो मशीन को चलाने के लिए है। अगर आपको पैडल यूज नहीं करना है तो आप ये वाला बटन प्रेस करके भी मशीन को चला सकते हैं। मैं थोड़ा सा चला के दिखाती हूँ क्योंकि मेन स्विच ऑन है। तो ये देखिए, जैसे आप इसे ऑन करेंगे मशीन चलने लगेगी। और जो ये लास्ट वाला बटन है ये स्पीड कंट्रोल करने के लिए है कि आपको जल्दी जल्दी मशीन चलानी है या थोड़ी सी स्लो चलानी है, तो यहाँ से आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, और इसके साथ में, इसके पैक के साथ में ये पूरा एक बुकलेट दिया हुआ है, मैनुअल दिया हुआ है। इसके अंदर सब कुछ मेंशन है कि कौन से पार्ट का कैसे यूज करना है और क्या क्या इसकी केयर कैसे करनी है। आपको सारे इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर अच्छी सी डिटेल में दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से भी इसे देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे कटर दिया हुआ है थ्रेड कट करने के लिए। जब आप स्टिच करने के बाद आपको ये कपड़ा निकालना होगा इससे, तो यहाँ पर एक ये कटर है, यहाँ से आप अपना थ्रेड कट कर सकते हैं। एक धागा इसके अंदर होता है, आपको पता होगा जो लोग स्टिचिंग जिनको आती है कि जब भी मशीन में स्टिचिंग होती है तो डबल स्टिचिंग होती है, ऊपर साइड से और नीचे साइड से। तो ऊपर का धागा ये है और अंदर साइड का धागा ये देखिए इस तरह से बंद हुआ था बॉक्स। तो ये आपको यहाँ से ऐसे निकालना है। अभी तो उन्होंने ऑलरेडी धागा भर के दिया हुआ है, लेकिन जब ये फिनिश हो जाएगा तो आपको ये निकालना होगा। बहुत इजी है इसको निकालना, ये देखिए इस तरह से ये निकाला। और ये डाल दिया। ओके, तो मैं पहले आपको स्टिच करके दिखा देती हूँ कि कैसे आज स्टिच करता है आपके कपड़ों को, और उसके बाद इसमें कैसे आपको थ्रेड डालना है ऊपर साइड से और इसके नीचे बॉबिन में, वो भी मैं आपको बताऊंगी। चलिए गाइस, तो चलिए स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं डेमो के लिए ये दो टाइप के कपड़े लाई हूँ। एक तो कॉटन का है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि कॉटन पे सिलाई कैसे होती है। देखिए, कॉटन पे स्टिचिंग वैसे भी इजीली हो जाती है, प्रॉब्लम आती है इस टाइप के कपड़ों में। सैटिन टाइप का एक कपड़ा लेके आई हूं मैं, तो दोनों में आपको मैं सिलाई करके दिखाऊंगी। तो चलिए गाइस, मैं पहले आपको कॉटन वाला स्टिच करके दिखाती हूँ। ये मैंने इसमें फिक्स कर लिया, तो मैं पहले आपको इस बटन से चला के दिखाती हूँ। देखिए, मैं जैसे इसको प्रेस करूंगी बंद कर देती हूँ। और मैं इसको आपको निकाल के दिखाती हूँ, या मैं काम करती हूँ, मैं आपको पहले फूट पैडल से भी चला के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने फूट पैटर्न निकाल लिया। मैं फूट पैडल के ये ओके गाइस, तो ये मैंने इसमें लगा दिया है। और ये देखिए, ऐसे रखना है आपको इस तरफ। ओके, अगर आप चाहते हैं कि कंट्रोल आपके हाथ पे या आपके पैरों पे रहे, तो ये आप फुट पैडल को नीचे रख के अपने पैरों से भी प्रेस कर सकते हैं, या अगर आपको हाथ से इजी लगता है तो हाथ से भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से बटन भी दिया हुआ है, बटन से भी कर सकते हैं। हाथ में रहने से ये फायदा, हाथ या पैर पे रहने से ये फायदा होगा कि जब आप चाहे इसको चला सकते हैं, जब चाहे रोक सकते हैं। हाथ ये इस प्लग से ऑन ऑफ करने में थोड़ा कुछ मिली सेकेंड का टाइम लगेगा आपको ऑन ऑफ करने में, और इसका कंट्रोल आपके हाथ में है तो थोड़ा मुझे लगता है ज्यादा इजी रहेगा सिलाई करने में। जैसे रोका, ये चला दिया, ये चलाया, रोक लिया। अभी हमें थोड़ी स्टिचिंग करके रोकनी है तो ऐसे, लेकिन अगर आप यहाँ स्विच से करते हैं ऊपर से तो ये क्या, ये चीज है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। आपको यहाँ से अगर लगातार लंबी सिलाई करनी है तो ये ऑन करिए और लगातार लंबी सिलाई करिए, लेकिन अगर आपको छोटी छोटी सिलाई करके फिर रुकना है, फिर सिलाई करनी है, इस टाइप का कुछ स्टिच कर रहे हैं तो आप फूट पैडल या फिर इसको हैंड से भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कि सिलाई कैसी हुई है। ओके, इस ये जो कपड़ा है ये निकालने के लिए आपको सिलाई के बाद इस वाले इसको हैंडल को ऊपर करिए और फिर जो यहाँ पे ये दिया हुआ है इसको धीरे धीरे घुमाइए, थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे और इस कपड़े को खींचेंगे धीरे धीरे आगे पीछे किया और इस धागे को हमने खींचा ऐसे इजीली आ जाता है। और यहाँ से कटर दिया हुआ है तो आपको यहाँ से कट करना है। तो मैं आपको सिलाई दिखाती हूँ गाइस, देखिए कितनी अच्छी सिलाई आई है। वाइट कपड़े मैंने वाइट थ्रेड से किया, उतना दिख नहीं रहा है प्रॉपर आपको मे भी, लेकिन एकदम अच्छी सिलाई आई है इस साइड से भी और इधर साइड से भी। ओके, तो अब मैं इस पे आपको स्टिच करके दिखाती हूँ कि सैटन के कपड़े पे या इस टाइप के कपड़े पे जिसपे धागा फंसता है उस पे कैसी सिलाई होती है। पहले फूट पैडल से करती हूँ। अब मैं बटन से करती हूँ। इसको निकालने के लिए फिर से हमने इसे ऊपर किया, थोड़ा सा इसको आगे पीछे हल्का सा घुमाया बस, और ये धागे को खींचा। इस पे आपको सिलाई प्रॉपर दिखेगी गाइस, ये देखिए कितनी अच्छी सिलाई आई है इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो ये मशीन इस टाइप के कपड़ों के लिए और ऑल्टरेशन के लिए, इवन स्टिचिंग के लिए आप इसमें अपनी कोई भी ड्रेसेस भी स्टिच कर सकते हैं, परफेक्ट है। हाँ, मुझे लग रहा है कि मोटे कपड़े लाइक जीन्स वगैरह पे हो सकता है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये थोड़ी सी डेलिकेटेड टाइप की मशीन है, बट वो मैंने अभी ट्राई नहीं किया है। मैं भी ट्राई करने के बाद मुझे पता चलेगा। इवन जो प्रॉपर हैवी वाली मशीन्स होती है उस पर भी जीन्स सिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं आपको इसकी कुछ और मेन चीजें बता दूं जिसका आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि धागा कहाँ कहाँ से होके जाएगा वो आपको ध्यान रखना है। तो बेटर है आप इसका एक छोटा सा वीडियो बना के रख लें या एक फोटो खींच के रख लें, सो दैट कि जब ये धागा फिनिश हो जाए तो आप इजिली धागा डाल सके। नीचे कैसे धागा डालना है वो भी आपको देखना है। अच्छा, एक मेन फीचर ये है कि इसमें ये देखिए ये आपको घुमाना है धागा बाहर लाने के लिए, जो नीचे बॉबिन का धागा यहाँ से बाहर आएगा खींच के, या फिर आप जब कोई भी कपड़ा सिलते हैं उसके बाद आपको धागा खींच के जब काटना होता है कपड़ा से अलग करने के लिए तब। लेकिन इसमें जो एरो बने हुए हैं आपको उसी डायरेक्शन में इसे घुमाना है, उल्टा सीधा नहीं घुमाना है, अदरवाइज ये आपकी मशीन खराब हो सकती है, क्योंकि ये नीचे की पूरा जो मशीन के अंदर के पार्ट है वो कंट्रोल करती है। तो आप देखिए इसमें ये एरोज बने हुए हैं तो आपको उसी डायरेक्शन में घुमाना है। ये एरो इधर बना है तो आपको ये ऐसे ही घुमाना है, उल्टा ना घुमाएं, ठीक है। तो बहुत अच्छी एक मशीन है, लेकिन आपको इससे केयर थोड़ा सा अच्छे से प्यार से अच्छे से हैंडल करना है इसको। तो ये आपके बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आपका साथ देने वाली है। तो चलिए गाइस, मैं आपको बता देती हूँ कि नीचे जब आपका नीचे का बॉबिन का धागा फिनिश हो जाएगा तो आपको उसे कैसे निकालना है और कैसे नया धागा भरना है। तो ये जैसे इसका ये टैप निकाला, कवर निकाला, बॉबिन इजीली से आप बाहर निकाल सकते हैं और इसको आप इसमें वापस से आप धागा भर के आपको जस्ट कुछ नहीं करना है। इसके नीचे देखिए अच्छा सा स्पेस दिया है बॉबिन में, यहाँ रखना है इसको इस तरह से, और इसके बाद कवर लगा देना है। और फिर आपको इसको आप देखिए ऐसे घुमाएंगे तो बॉबिन ये जो आपकी निडल है वो धागा ऊपर खींच लेगी। राइट, जब ये वाला धागा ऊपर का डल जाएगा तभी नीचे वाली बॉबिन का धागा ऊपर आएगा। तो इसको फिर आप इस तरह से घुमाइए और ये देखिए नीचे से भी धागा आ गया है। तो बस अभी रेडी है आपकी स्टिचिंग करने के लिए दोबारा। तो चलिए मैं एक बार फिर से आपको और लाइट के साथ स्टिचिंग करके दिखा देती हूँ। वेजिटेबल स्विंग मशीन। आई होप आपको पसंद आया होगा और आपके लिए यूजफुल भी रहा होगा। तो अगर मैं इसे वो हैवी मेटल वाली मशीन से कंपेयर करूं तो ये बहुत ज्यादा लाइट वेटेड है, पोर्टेबल है, इजी टू यूज है और आपने इसकी सिलाई देखी कि अच्छी खासी सिलाई आ रही है। एंड यस, बहुत ही रीजनेबल है। जहां पे उन मशीनों के लिए आपको हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, वहां पे इसकी कॉस्ट सिर्फ 1000 रुपीज है। तो ये मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है और ऑनलाइन भी मिलती है। मैंने ये अमेजॉन से ली है, तो मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप चाहे तो वहां से जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। और यू नो, ऑल्टरेशन के लिए, छोटी मोटी सिलाई कढ़ाई के लिए तो ये परफेक्ट है। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि अगर आपको सिलाई का शौक है, स्टिचिंग का शौक है, तो ये आप इसमें अपनी अच्छी खासी, अपनी पसंद की कोई भी ड्रेसेस सिल सकते हैं। बहुत अच्छी ड्रेसेस की स्टिचिंग करेगी। जैसे कि देखा आपने, सिलाई काफी अच्छी आई है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यस, मुझे तो ये बहुत पसंद आई और मेरे लिए मच नीडेड थी। और सबसे अच्छी चीज, अगर मैं अपनी बात कहूं, तो मुझे छोटे छोटे कामों के लिए किसी और पे डिपेंड होना बिल्कुल पसंद नहीं है गाइस, क्योंकि फिर हमें उनके अकॉर्डिंग, उनके टाइम के अकॉर्डिंग यू नो वेट करना पड़ता है और फिर वो जैसा भी काम करके देते हैं उसमें ही सेटिस्फाइड होना पड़ता है। तो इट्स बेटर कि ये मशीन लेके आप अपने छोटे छोटे कामों के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं हो और हजारों रुपए जो आप खर्च करते हैं वो बच जाए। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ये। तो यस गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देके लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों में। एंड यस, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड यस, बी हैप्पी, बी हेल्दी, लव योरसेल्फ। मैं जल्दी मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो के साथ, यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।